चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पर HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के बारे में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, ये है क्या कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, ये है कंप्यूटर ऑपरेटर। मान लीजिए इसको कहीं जॉब की ज़रूरत है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में वहाँ पर जॉब में क्या हो गया है, यहाँ पर ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद इसके पास जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में क्या क्या है, बहुत सारी फैसिलिटी है, बहुत सारी इसकी जो क्वालिटी है वो स्किल्स है वो इसके अंतर्गत यहाँ पे प्लस हो गई है। अब जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है, एक टैग मान लेते हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो जो इसकी फीचर्स है, जो जो उसकी विशेषताएं है, वो उसकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। सिंपल बात है, हम बोल सकते हैं HTML एट्रीब्यूट इसका मतलब है जैसे H1 है, या फिर हम बोल सकते हैं P है, या फिर हम बोल सकते हैं हेड है, या इसके अलावा हम बोल सकते हैं बॉडी है, ठीक है। तो जो जितने भी इस प्रकार के हमने लिखे ये टैग है, और टैग के अंदर जो इसकी विशेषताएं आती है, ठीक है, विशेषताएं मतलब जो फीचर्स आते हैं वो सारे कहलाते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। तो उन्हीं सभी के बारे में हम यहाँ पे बेसिक रूप से समझेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर पहले समझाता हूँ, फिर हम बाद में जो है इसकी थ्योरी यहाँ पे देखने वाले। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे स्टार्ट में और नोटपैड प्लस प्लस को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हमारे पास में पहले से जो है यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे है, तो हम इसको जो है यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हटा दिए, ये हटा दिए, और इसका नाम हम बदल कर क्या कर देते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट, ठीक है, HTML एट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। और हेड के बाद हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, बॉडी हमने नहीं ली है तो बॉडी हम ले लेते हैं, ठीक है, और बॉडी को यहाँ पे नीचे आके क्या कर दो आप, क्लोज भी कर दो, ठीक है, ये बॉडी को हमने कर दी क्लोज। अब बात आती है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, तो हम सिंपल बात क्या ले लेते हैं, जैसे पी लेते हैं, और पी लेने के बाद हम लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमने लिख दिए, और पी को हमने कर दिए बंद, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। किस नाम से सेव है आपको देख रहा होगा, टाइप्स डॉट, चलिए सेव एस कर देते हैं दूसरे नाम से, और यहाँ हम लिख देते हैं एट्रीब्यूट डॉट HTML, इस प्रकार हमने लिख दिए, और इसको कर देते हैं छोटा, और यहाँ हम चल जाते हैं फोल्डर में, फोल्डर हमारा कहाँ सेव है, डेस्कटॉप में आपको पता हमने एक फोल्डर बनाया है, और यहाँ एट्रीब्यूट के नाम से इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वेब पेज है वो रन हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक पैराग्राफ हमने बनाया है और पैराग्राफ आपका यहाँ पे रन हो गया, देखिए ये पैराग्राफ हमने लिखे थे और पैराग्राफ यहाँ पे रन हो गया। पर आप सिंपल देख सकते हैं इसका कलर ब्लैक आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। अलाइनमेंट भी इसका क्या आ रहा है, अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर आने की जगह लेफ्ट आ रहा है। तो हम इसमें क्या देंगे, जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट हमेशा जो टैग होता है, टैग हम दो प्रकार के देख सकते हैं, एक तो स्टार्ट टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। तो स्टार्ट टैग जो होता है उसके अंतर्गत ही हम एट्रीब्यूट देते हैं, तो हम यहाँ पी के बाद जस्ट स्पेस देंगे और यहाँ अलाइन देंगे, अलाइन। अब इसको लिखने के लिए विधि क्या है कि एट्रीब्यूट का नाम आता है, इक्वल का साइन आता है, डबल कोट आता है, डबल कोट के अंदर आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखना पड़ता है। मतलब देखिए यहाँ पे नाम आ गया एट्रीब्यूट का और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, अलाइन है तो अलाइन आपको पता होगा, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, तीन चार होते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेंटर, सेंटर हमने लिखे, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव, और आप जाकर यहाँ पर रन करके देखिए, तो देखिए इसका अलाइनमेंट अभी लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, सेंटर आ गया है। तो इस प्रकार से हम इसका एट्रीब्यूट यहाँ पर बदल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हमको लेना है H1 ले लेते हैं हम, और H1 के बाद हम जो है यहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग हमने दिए, और यहाँ पे हम H1 को कर देते हैं क्लोज, और यहाँ सिंपल हम इसको सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन से, ठीक है, और इसके बाद हम इसको रन करते हैं, देखिए दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, और यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे हम BG कलर देते हैं, BG कलर इसका एट्रीब्यूट है, BG कलर हम दे देते हैं येलो, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, सेव कर दिए। इसका बैकग्राउंड कलर चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं स्टाइल, दे देते हैं स्टाइल भी इसका एक एट्रीब्यूट है, इसको ना देकर हम क्या दे देते हैं स्टाइल दे देते हैं, और स्टाइल देने के बाद हम इक्वल लगाते हैं, डबल कोट लगाते हैं, डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं वैल्यू, जैसे हमने लिख दिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम देने के बाद ऐसे, और इसको क्या लिख दिया हमने येलो, येलो हमने दे दिए, और सेमी कॉलन से हम इसको बंद कर देते हैं। CSS हम पढ़ेंगे जब, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेंगे, फिर स्पेस देते हैं, और इसका जो कलर है
कलर बस लेंगे हम, इसका जो बेस कलर है मतलब जो दिस इज फर्स्ट हेडिंग लिखा है उसका कलर हम लेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रेड। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर देते हैं सेव। और यहाँ देखिए आप, देखिए इस प्रकार हम जो देख सकते हैं। तो एट्रीब्यूट से आप क्या समझे, एट्रीब्यूट मतलब होता है, देखिए सिंपल हम टैग लिख देते हैं तो जो टेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट है हमारा प्लेन फॉर्मेट में आ जाएगा, पर हम उसको और अट्रैक्टिव या उसको आकर्षक बनाना चाहते हैं तो हमको किसी भी टैग के एट्रीब्यूट की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारी पीपीटी में, अब आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो टैग होता है, टैग मतलब या तो H1 हो सकता है या कोई भी टैग, उनकी एक्स्ट्रा एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल जो फीचर्स होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एट्रीब्यूट मतलब HTML टैग से हम जो है एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जो कि हमने देखे, और ये इसमें वाइट बैकग्राउंड होता है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है, तो ये सिंपल हो जाता है। परंतु हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा कुछ वहाँ पे आकर्षक दिखाना चाहते हैं तो हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए IMG हमने लिए, IMG बस लेने से काम नहीं चलेगा, IMG के साथ में हमको क्या लेना पड़ता है, IMG के साथ में हमको SRC लेना पड़ता है। SRC मतलब होता है इसका सोर्स, मतलब इमेज कहाँ से लेना चाहते हैं, या फिर हम एंकर टैग लेना चाहते हैं तो एंकर टैग बस लेने से काम नहीं चलेगा। ए हमने लिखे AHREF, यानी हाइपरलिंक का रेफरेंस जो क्या है वो होना चाहिए यहाँ पर दिया जाता है। तो सिर्फ टैग लिखने से काम नहीं चलता, कुछ टैग में हमको एट्रीब्यूट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करते हैं। जैसे इमेज के लिए हो गया, एंकर टैग के लिए हो गया, ये सारी चीज़ें जो होते हैं अकेले नहीं आते। इसके अलावा HTML एट्रीब्यूट टैग के बारे में जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, और इसकी विशेषताओं के रूप में भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर शो होती है जो HTML टैग है उसमें, पर हम उसमें बदलना चाहते हैं। जैसे हमने अभी लिए थे पी, और पी में हमने अलाइन नहीं दिए थे तो वो आई डिफ़ॉल्ट क्या शो हो रहा था, लेफ्ट, पर हमने पी अलाइन देकर हम उसको सेंटर दे दिए तो क्या शो हो गया, सेंटर शो हो गया। जैसे H1 है, H1 के जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो रहा था, वाइट बैकग्राउंड हो रहा था, परंतु हमने उसमें स्टाइल जोड़ दिए। स्टाइल मतलब जो उसकी विशेषता है या फिर जो उसके एट्रीब्यूट उसके अंतर्गत हमने बैकग्राउंड कलर ले ली येलो और उसका कलर ले लिए रेड। तो इस प्रकार हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट के माध्यम से। एट्रीब्यूट के प्रकार की अगर बात करें तो एट्रीब्यूट के प्रकार चार होते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, मतलब जिसकी बेसिक रूप से ज़रूरत होती है, मतलब जो आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं फील्ड को फिल करते हो तो जहाँ स्टार लगा होता है वो होते हैं रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब उसको फिल करना आवश्यक होता है। पर कई होती है ऑप्शनल, जैसे ऑप्शनल एट्रीब्यूट इनको यूज़ करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट होते हैं और इवेंट एट्रीब्यूट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हमारे ज़्यादातर उपयोग होंगे, ये दो जो है ज़्यादातर उपयोग यहाँ पे नहीं होंगे। तो पहले देख लेते हैं रिक्वायर्ड और ऑप्शनल दोनों। तो यहाँ देखिए रिक्वायर्ड और ऑप्शनल दोनों एक साथ आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड और ऑप्शनल लगभग एक जैसे ही होते हैं। इनका इस्तेमाल किसी विशेष HTML डॉक्यूमेंट या फिर HTML टैग को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे SRC हम देख सकते हैं IMG के साथ में, SRC के साथ में हमको Alt भी लेना पड़ता है, मतलब SRC में जो एड्रेस दिया गया है अगर वो काम नहीं करता है तो अल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा IMG टैग के अंतर्गत। चलिए इसको जो हम नोटपैड में चलते हैं फिर से, यहाँ हम एक इमेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ बॉडी मतलब जो है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं IMG। IMG बस लेने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में हमको क्या लेना पड़ता है SRC, और SRC हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई इमेज का एड्रेस। इमेज का एड्रेस कैसे लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में दो इमेज है, दो इमेज देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, व्यू में जाते हैं थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए दो इमेज, एक H नाम से है और एक वेब नाम से है, और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सटेंशन PNG होगा, .png। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना है web.png, इस प्रकार आपने लिखे। और यहाँ पर अगर आप दे देते हो Alt, और Alt देखिए आप क्या लिख देते हो, web.png इमेज। ठीक है, इस प्रकार, तो यहाँ आपको पता क्या चलेगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ इस प्रकार, और ये एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग मतलब देखिए स्टार्ट भी हो गया और एंड भी हो गया। यहाँ पर जब web.png इसको मिल जाएगी तो ये शो कर देगा, और नहीं मिलेगी तो क्या शो करेगा, web.png इमेज, एक अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, मतलब इसके बदले में क्या शो होना चाहिए, अल्टरनेट टेक्स्ट, ये यहाँ पर देखने को मिलता है हमको Alt के अंतर्गत। तो ये SRC जो है, SRC एक रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, और जो अल्टरनेट है वो ऑप्शनल एट्रीब्यूट है। इसको नहीं भी देंगे तो यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा। तो हम नॉर्मली जो है इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, इसमें जाते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ आपको एक इमेज दिख गई है, बहुत बड़ी इमेज है इसलिए आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, मतलब पूरी दिख नहीं रही है। और अगर अपन वेब बंद कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार, तो आप जब जाएंगे ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में जाकर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपका web.png इमेज मतलब अल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, web.png इमेज, मतलब
अगर आपको ये शो नहीं हो रही है, मतलब इसका एड्रेस गलत है, ये जो ब्राउज़र है उसको ढूंढ नहीं पा रहा है लोकेशन या फिर नाम, तो आपको अल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है और ये जो है आपका ऑप्शनल एट्रीब्यूट है अल्टर, ठीक है, दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट की। तो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट अधिकतर एचटीएमएल एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं, उन्हें जो है ग्लोबल एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट को रिक्वायर्ड एवं ऑप्शनल एट्रीब्यूट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है इवेंट एट्रीब्यूट, तो ये इवेंट एट्रीब्यूट का उपयोग जो है किसी विशेष परिस्थिति में इसका जो है किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों को हम बाद में देख लेंगे, अभी हमने सिर्फ रिक्वायर्ड और ऑप्शनल के बारे में यहाँ पर बात की है। इसका सिंटैक्स की अगर बात करें, जैसे हमने अभी IMG लिए, तो IMG एक प्रकार का जो है एक टैग नेम है, ठीक है, और जो SRC है, SRC एट्रीब्यूट का नाम है, और ये कैसा है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये लिखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इमेज आपकी सोनी होगी। और ये क्या है, इमेज का एड्रेस है, मतलब ताजमहल.png या web.png हमने अभी लिखे थे, ठीक है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है। फिर हो गया अल्टरनेट, तो अल्टरनेट एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है और ये भी एट्रीब्यूट का नाम है। और जो ताजमहल जो टेक्स्ट लिखे हैं, मतलब क्या है ये, अगर शो नहीं होता है कौन सा ताजमहल.png तो ये शो होगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट अभी हमने देखे अल्टर और SRC, ठीक। एट्रीब्यूट का नेम की अगर बात करें, तो देखिए जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नेम एक HTML टैग की प्रॉपर्टी होती है जो हम इस टैग के लिए सेट करना चाहते हैं। मतलब जैसे हमने लिखे पी के लिए हम अलाइन लिख देते हैं, IMG के लिए हम SRC लिख देते हैं, ए के लिए हमने HREF लिख दी, तो ये विशेष मतलब जो प्रॉपर्टी होती है जो सेट करना चाहते हैं उसमें, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी एक HTML टैग में वो चेंज है जो आप किसी टैग में करना चाहते हैं। नेम जो है उसकी विशेषता का नाम है, जो विशेषता हम एक HTML टैग पर अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा नेम प्रॉपर्टी HTML टैग पर निर्भर करती है, क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट कुछ विशेष टैग पर ही अप्लाई होते हैं। जैसे कि SRC की बात करें तो ये इमेज टैग पर ही अप्लाई होता है, HREF की बात करें तो ये सिर्फ एंकर टैग पर उपयोग होता है। इसके अलावा नेम प्रॉपर्टी को पैराग्राफ टैग के द्वारा समझते हैं, जैसे कि पी है, पी हमने लिखे पैराग्राफ तो नॉर्मली पैराग्राफ ले लेते हैं, परंतु इसका एट्रीब्यूट हमने ले लिया अलाइन, तो अलाइन में हमको चार चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। चार चीज़ें कौन कौन सी, एक लेफ्ट मिल जाती है, एक राइट मिल जाती है, एक सेंटर मिल जाती है, और एक जस्टिफाई मिल जाती है। तो चार वैल्यू में से हम कोई भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया एट्रीब्यूट का नाम और ये हो गई उसकी वैल्यू, ठीक है। एट्रीब्यूट की वैल्यू जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर चार, नॉर्मली तीन होते हैं पर चार भी हम देख सकते हैं, जैसे लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है। ये किसकी वैल्यू है, ये है अलाइन की वैल्यू, और ये किसका एट्रीब्यूट है, ये पैराग्राफ टैग का। अब अलाइन जो है आपका किस में प्रयोग हो जाएगा, टेबल टैग में भी यहाँ पर प्रयोग हो सकता है, ठीक है। टेबल टैग में भी हम अलाइन एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट का जो कार्य क्षेत्र है, स्कोप अगर बात करें, ठीक है, उसका वर्किंग एरिया की बात करें, तो देखिए टैग के अनुसार उसका वर्किंग एरिया निर्धारित होता है। जिस टैग पर आप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं उसका इफेक्ट उसी टैग तक सीमित रहता है। मान लीजिए पैरेंट टैग की बात करें, पैरेंट टैग की बात करें मतलब मेन टैग कौन सा होता है, जैसे HTML से क्या स्टार्ट होता है, HTML से स्टार्ट होता है पूरा रूट होता है वो। इसके अलावा बॉडी हम दे देते हैं, तो बॉडी जो होता है सबसे विजिबल पार्ट होता है ब्राउज़र का, जिसके अंतर्गत हम जो भी डिफाइन करते हैं वो सारी चीज़ होती है। तो बॉडी शुरू होने से लेकर बॉडी बंद तक का जो सारी चीज़ है वो जो इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें लिखी जाएगी उसका ये पेरेंट टैग कहलाएगा, और उसके अंतर्गत ही चाइल्ड टैग। मान लीजिए बॉडी में हमने कोई डेफिनेशन दी है, टेक्स्ट का कलर दी है, तो टेक्स्ट का कलर एट्रीब्यूट दी है, तो यहाँ पर सारी जो बॉडी का जो है, मतलब जैसे ब्लू हमने दे दिया टेक्स्ट का कलर, ठीक है, तो पूरे बॉडी के अंतर्गत जो भी लिखा जाएगा, H1 लिखा जाएगा, ठीक है, या पैराग्राफ टैग लिखा जाएगा या फिर कोई अन्य टैग लिखा जाएगा, सबका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। कंडीशन क्या है, कब तक, मतलब बॉडी में हमने दिए हैं इसका टेक्स्ट कलर, परंतु अगर H1 में भी अगर टेक्स्ट कलर दे देते हैं तो H1 में वही टेक्स्ट कलर आएगा जो H1 में डिफाइन किया गया, बॉडी का एक्सेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए पेरेंट चाइल्ड टैग कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है। बॉडी एलिमेंट में एक वेब पेज के विजिबल पार्ट को लिखा जाता है, जो कि हमने देखे, बॉडी एलिमेंट के अंदर ही अन्य जरूरी जो HTML टैग है उनको उपयोग किया जाता है। जैसे बॉडी टैग पर जो किसी भी एट्रीब्यूट को अप्लाई करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट में होता है। जैसे कि हमने देखे टेक्स्ट कलर हमने ब्लू कर दिए तो पूरे में ब्लू आ जाएगा, परंतु बीच में अगर हमने स्पेसिफिक जो पैरेंट टैग है उसके अलावा हमने चाइल्ड टैग में भी अगर टेक्स्ट का कलर बदल दिए, जैसे हेडिंग में टेक्स्ट का कलर हमने ग्रीन कर दिए, तो वो ग्रीन शो होगा। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक होम है, एक होम मतलब एक घर बोल दिए, घर में 5 मेंबर रहते हैं, ठीक है। अब 5 मेंबर रहते हैं, पांचों में क्या होता है, आपसी सलाह नहीं है, एक दूसरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता है, तो क्या होगा, वो अदर मतलब जो पड़ोसी है उनसे ज़्यादा भाईबंदी जमाने की कोशिश करेंगे, और पड़ोसी भी नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे, वो अदर मतलब जो है पड़ोसी के अलावा कोई दूसरे
मोहल्ले में या फिर कोई अन्य जगह वो अपना साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि उनको यहाँ पर घर में ही आपसी सलाह या सारी चीज़ों की यहाँ पर विचार उनके सुने जाते हैं, उनकी मांग सुनी जाती है, उनकी हेल्प की जाती है, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? वो पड़ोसी के यहाँ भी नहीं जाएंगे, ना दूसरे मोहल्ले में भी नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार मैन जो होता है, देखिए यहाँ पर अगर होम में उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो कहाँ जाएगा? बाहर। उसके बाद उसकी ज़रूरत वहाँ पूरी नहीं होती तो और बाहर। उसी प्रकार यहाँ बॉडी एलिमेंट के द्वारा कोई डिफाइन किया गया है तो वो बॉडी एलिमेंट के ही लेगा, पर उसके अलावा उसके खुद के यानी हेडिंग टैग में ही हमने उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया गया है, तो वो एट्रीब्यूट कहाँ का लेगा? हेडिंग का लेगा। यानी कि वो घर में ही सारी चीज़ उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, यानी हेडिंग टैग में ही ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो बाहर क्यों जाएगा? यानी बॉडी एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू एक्सेस नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ स्पेसिफिक टैग जो पेरेंट टैग है उसके एट्रीब्यूट का प्रभाव तब तक रहता है जब तक कि उस एट्रीब्यूट की किसी मतलब टैग में या चाइल्ड टैग में उस वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जाता है। यानी उस एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया गया है पर्टिकुलर टैग में तो बॉडी का जो एट्रीब्यूट है वो उसको इफेक्ट वहाँ पर नहीं रहेगा। कॉमन एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो HTML में कुछ एट्रीब्यूट अन्य एट्रीब्यूट की तुलना में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एट्रीब्यूट अधिकतर टैग पर अप्लाई किया जा सकते हैं और इन कॉमनली यूज होने वाले एट्रीब्यूट को ग्लोबल एट्रीब्यूट भी कहते हैं। जैसे कुछ एट्रीब्यूट की अगर बात करते हैं स्टाइल, स्टाइल जो होती है CSS के लिए यूज़ होती है। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पर जैसे हम कोई वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज में हम क्या कर देते हैं? फॉर्मेटिंग। हमारी वेबसाइट हमने बनाया, वेबसाइट में हमारे पास में 10 वेब पेज है और एक वेब पेज में फॉर्मेटिंग करने में हमको बहुत समय लगता है, तो हम क्या करेंगे? इस कॉमन फॉर्मेटिंग को निकाल कर एक अलग फाइल बना देंगे और फाइल में हम सारी कोडिंग कर देंगे। इस फाइल को ही यहाँ पे हम बोलेंगे CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यानी कि फॉर्मेटिंग का जो लेयर होता है, फॉर्मेटिंग की जो पूरी ग्रुप होता है, उसको हमने एक फाइल में लिख दी और फाइल को हमने एक्सेस कर लिए कहाँ पे? यहाँ पे लिंक टैग के माध्यम से। तो यहाँ पे स्टाइल जो होता है एक पर्टिकुलर इनलाइन जो टैग है उसमें भी यूज़ होता है, इंटरनल में भी यूज़ होता है और एक्सटर्नल स्टाइल सीट भी होती है। तो ये एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, इनलाइन में ज़्यादातर इसको अप्लाई किया जाता है। HREF जो होता है एंकर टैग में यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वेब एड्रेस या कोई भी एड्रेस यहाँ पर लिंकिंग एड्रेस लिखा जाता है जिससे कि हाइपर लिंक हो। SRC जो होता है वो IMG टैग में लिखा जाता है किसी भी इमेज के सोर्स को यहाँ पे देने के लिए या URL को देने के लिए जिससे कि इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद बिट और हाइट, बिट और हाइट आपकी ज़्यादातर आपका इमेज में देखने को मिलती है, टेबल में देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये चीज़ों में आपको बिट और हाइट देखने को मिलती है। मार्क्यू टैग में भी आपको बिट और हाइट देखने को मिलती है, मतलब ओरिजिनल साइज़ को हम अपना कस्टम साइज बनाना चाह रहे हैं तो हमको बिट और हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। फिर होता है अल्टर, जैसे कि हमने अभी बात करी, अल्टर जो होता है अल्टरनेटिव टैग्स जो कि IMG टैग में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब SRC अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या काम करेगा? अल्टर टैग में हमने जो चीज़ जो वैल्यू दी वो काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा टाइटल, तो टाइटल जो होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम कोई फॉर्म बना रहा है, फॉर्म में कोई जो मतलब कंट्रोल ऐड कर रहा है उसके अंतर्गत हम इसको दे सकते हैं। ID जो होता है यूनिक ID देने के लिए यूज़ होता है, CSS के अंतर्गत भी इसका यूज़ किया जाता है, क्लास भी CSS के अंतर्गत ही यूज़ की जाती है, ठीक है, और लैंग्वेज जो होती है HTML के अंतर्गत लैंग्वेज हम डिफाइन करते हैं उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो सारे एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे देखें, ज़रूरत पड़ने पे हम सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे देख लेंगे धीरे धीरे। अल्टर हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है, बिट और हाइट भी हम देख लेंगे, SRC HREF ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखिए इसको हमने यूज़ करके भी देख ली है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो 2-4 बार तो आपके दिमाग में ये पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।